लग रहा है जैसे रात में तारे टिमटिमा रहे हो। नहीं किया घर वाला, लग रहा है जैसे पहाड़ पे कोई ट्यूने लाइट्स वगैरह चलाती हुई। इतना सुंदर लग रहा है ये व्यू। गाइज वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। और ये जो व्लॉग होने जा रहा है ये होने वाला है बड़ा खतरनाक सा, बिकॉज अगर हम तीनों जहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ हो जाती है एक खतरनाक वाली रॉकिंग स्टाइल। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो सभी लोग मिलके एक साथ बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं। हिमाचल। तो हिमाचल के लिए निकल रहे हैं हम लोग अभी। यहाँ से फ्लाइट है 6 बजे और हम लोग को निकलना पड़ रहा है अभी अभी। टाइम हो रहा है 2:15 और 2:30 के लगभग हम लोग को यहाँ से गाड़ी आएगी पिक करने के लिए। और यहाँ से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से वीक करके दिल्ली, और दिल्ली से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट हिमाचल। और इसे आप जानते ही होंगे, विवेक द बैकपैकर। अभी फ़िलहाल इसका बैकपैक थोड़ा कम हो रहा है, मुझे पता है वीडियोज़ आने वाले हैं इसके भी चैनल पर। निकलना हो रहा है घर से अभी, इधर सभी लोग तो निकल रहे हैं अभी घर से। ये रहा विवेक, तो अभी कर रहे हैं टाटा बाय बाय और डायरेक्ट मिलते हैं कहाँ, तो एयरपोर्ट पे। टू में है? हाँ ठीक है, टू में। ये आ गए हम लोग एयरपोर्ट पे और फ्लाइट है 6 बजे की। तो अभी फ़िलहाल पहले चेक इन करते हैं अंदर और फिर कुछ होगा। ये रहा कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर का व्यू। ये मिल गया हमें बोर्डिंग पास और वी आर रेडी टू रेस, यानी कि सफ़र के लिए हम लोग हो गए पूरी तरीके से रेडी। ये हम लोग चले हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा खाने पीने के लिए लॉन्च पे। और यहाँ दिख रही है प्लेन्स, एरोप्लेन्स वगैरह यहाँ पे, ये आपको एक दिखता होगा। वैसे वहाँ पे एक और है विस्तरा का, ये कौन सा है समझ नहीं आ रहा है यहाँ से। वैसे वो विस्तरा नहीं है, वो है एयर एशिया वहाँ वाला, तो वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बट ये वाला विजिबल है। अभी हम लोग को जाना है गेट नंबर 22 पे, बिकॉज अभी जाकर हम लोग को करना होगा बोर्डिंग। लॉन्च एक्सिट पे फ्री। यस, 22 नंबर। तो अभी हम लोग को जाना होगा फटाफट से। ये रहा बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा, अंदर का कुछ ऐसा वाला नज़ारा। मुझे जो है अकेले बैठना पड़ गया है बिकॉज इधर कोई नहीं है। और बॉबी, बंटी और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ आए थे वो सारे के सारे लोग पीछे हैं, यानी कि आगे सिर्फ मैं बैठा हुआ हूँ अकेले। और फर्स्ट टाइम का मतलब खतरनाक सा एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा। हम लोग चले दिल्ली और अभी हम लोग IJA एयरपोर्ट पे। ये रहा, लग रहा है लड़की। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे यहाँ का ठंड जो है बड़ा ही खतरनाक है, 12 डिग्री। अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बाहर जाने के बाद ज़्यादा बस। ओ वाओ, मतलब इतना ही ज़्यादा सुंदर है। ऊपर रुको, ऊपर। ओए होए 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 होए। और हम लोग नीचे का ही तो हमको पता नहीं चलता। ये ऊपर आ रहे सभी लोग और ये इतना ही सुंदर बोल बंटी और खतरनाक लग रहा है वो। मैं लेने हैं वहाँ से अपने बैगेजेस, तो बैगेजेस को
लेने के लिए हम लोग को इतना ज़्यादा मुशक्कत करना पड़ा, और फाइनली बैग हम लोग के पास आया और विवेक बैग के पास गया, दोनों बात एक ही है। उतार इसको भी उतार, बोल रहा इज्जत से उतार। ओ किसका है अभी, किसका उतार दिया था? मेरा नहीं है। हाँ रख उसको, वो देख और आ रहा है, वही लगता है मेरा है। हाँ ये तो कलरफुल है, मेरा वाला उधर है। हम ही लोग का चक्कर काट रहा होगा बेचारा। तो ये अभी हम लोग आ गए एयरपोर्ट के बाहर, और हालत सभी का थोड़ा सा ख़राब बिकॉज बैगेज वगैरह बहुत ज़्यादा भारी। फाइनली गाड़ी जो है वो चली आई है, तो यहाँ से हम लोग कार से जाएंगे दिल्ली बॉर्डर पार करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग एक कार पे चार लोग होंगे या फिर तीन से चार लोग, और फिर दिल्ली बॉर्डर पार करने के बाद फिर हम लोग सारे लोग एक साथ होंगे। लोग निकल गए एयरपोर्ट से, अभी टाइम हो रहा है 9:56 और हम लोग यहाँ पे लैंड किए थे वही करीबन 8:00 पे, ठीक से मुझे भी याद नहीं है। तो ऐसा चल रहा है फ़िलहाल सारा कुछ, और धूप बोला जाए तो बड़ा मस्त वाला धूप है ये, और वेदर जो है बहुत ही शानदार हुई है। A few moments later. ये रही हमारी गाड़ी पार्क हो गई है, हम लोग अभी सोनीपत पे हैं, और ये रहा मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं लंच करने के लिए, तो यहाँ पे अभी हम लोग लंच करेंगे, और अंदर है विवेक, तो विवेक को खोलने की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि विवेक अंदर बंद हो चुका है। हेलो, हम लोग सभी लोगों ने मंगवा लिया है, और लंच करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकलेंगे बिकॉज अभी भी जो है करीबन 8 घंटे का जर्नी बाकी है। तो सोनीपत से अभी हम लोग को जाना है शिमला, और ये नाम स्पेशल महाराजा थाली, और ये इनके नाम आज यहाँ पे मेरा प्लेन रोटी विथ पनीर प्याजा, इनका बटर रोटी विथ पनीर प्याजा, तो ऐसा कुछ चल रहा है। और ये रहा विवेक, यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, भगवान जाने उसका पेट भरा भरा हुआ है। क्यों भरा? अच्छा गला फंसा फंसा हुआ है, पेट भरा भरा हुआ है, गला फंसा फंसा हुआ है, अलग लेवल। ऐसे हम लोग का खाना पीना कंप्लीट हो गया, और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये रही हमारे पीछे गाड़ी, और हम लोग चॉकलेट खा रहे हैं, खाना वाना खाने के बाद चॉकलेट भी खाना हो रहा है। तो ऐसा कुछ चल रहा है अभी हम लोग का, अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, और जर्नी जो है लगातार 8 घंटे की होने वाली है अगेन। ये आ गया हिमाचल गेट, और ये हम लोग एंटर कर रहे हैं हिमाचल में। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। शिमला यहाँ से और 89 किलोमीटर है, तो 89 किलोमीटर जाते जाते शायद रोशनी चली जाएगी, तो प्रॉपर व्यू जो है वो नहीं आ पाएगा शिमला का। सुबह से अभी पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है, टनल आओ है, और इस टाइम पे कुछ दिखेगा नहीं, तो क्लियरली विजिबल ना होने की वजह से मैं जो है व्लॉग को यहाँ पे अभी कंटिन्यू नहीं करता हूँ। अब डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं होटल पे। टाइम हो रहा है 7:43 और ये रहा हमारे इधर शिमला,
शिमला जो सिटी है वो उधर है उस पहाड़ पे, आपको लाइट्स वगैरह जो दिख रहे थे लग रहे जैसे रात में तारे टिमटिमा रहे हो, लग रहा जैसे पहाड़ पे कोई ट्यूने लाइट्स वगैरह चलाती हुई, इतना सुंदर लग रहा है ये व्यू, मतलब ऑसम, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हाँ फाइनली हम लोग जो है होटल पे पहुँच गए हैं। हाँ वही तो, और इधर सारे लोग इधर बैठे, तो इधर से अभी चलते हैं, पहले रूम पे चेक इन करते हैं और उसके बाद कुछ, बिकॉज करीबन करीबन 12 घंटे से हम लोग बैठे हुए थे कार पे, और 12 घंटे कार पे बैठे बैठे हमारा हालत हो गया है ख़राब, पैर भी चल नहीं चल रही थी सही से, और यहाँ पर ठंड भी अच्छी खासी है, 7 डिग्री के लगभग था उधर पे, शिमला पे शायद करीबन 5 डिग्री के लगभग है, सो ऐसा तो चल रहा है यहाँ का सिचुएशन। इधर सारे लोग, अभी हम लोगों ने घर पे मतलब होटल पे चले हैं, चेक इन कर लिया है तो गर्म पानी हाथ पे, और ये भी अपना दवा वगैरह खा रहा था। सो गैज अभी हम लोग जाएंगे अभी नीचे डिनर करने के लिए, तो डिनर करके फिर आज हम लोग सो जाएंगे, फिर हम लोग कल सुबह निकलेंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो आप लोग को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा था और कौन सा जो लोकेशन था वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और गाइज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियोस को पूरा देखा करो यार, वीडियोस को पूरा देखते तो ज़्यादा अच्छा होता है, वीडियोस रैंक अच्छा करता है। सो गाइज़ वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, सो गाइज़ टाटा बाय बाय, लव यू यूट्यूब फैमिली।